नमस्कार, मैं आपको डायबिटीज़ में जो पैरों में नुकसान, चोटें और घाव हो जाते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डायबिटीज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेशेंट्स के पैर जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उसमें सेंसेशन नहीं होता। अगर उसमें नीचे से उसको कुछ इंजुरी, पत्थर, कंकड़ या कोई कांटा भी चुभ जाए तो उसको पता नहीं चलता। अगर वो मंदिर में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहा है नंगे पैर और वहाँ काफ़ी गर्म है तो भी न्यूरोपैथी की वजह से, सेंसेशन लॉस होने की वजह से उसको पता नहीं चलता और उसके पैरों में घाव हो जाते हैं। इसलिए मैं आज दो शब्द आपको डायबिटिक फुटवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। डायबिटिक पेशेंट को कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, उसको हमेशा कुछ ना कुछ जूते, चप्पल, सैंडल, कुछ ना कुछ फुटवेयर हमेशा पहनना चाहिए, भले ही वो घर के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि पैरों में घाव होने के बाद में उसको ठीक करना बहुत महंगा, बहुत मुश्किल काम है और कई बार एम्पुटेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अपने पैरों को बचा के रखना प्रॉपर फुटवेयर से वो बहुत ज़रूरी है। एक आम डायबिटिक पेशेंट कोई भी एक अच्छा आरामदायक जूता या सैंडल पहन सकता है, एक अलग से जूता लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वो पेशेंट जिसको ऑलरेडी घाव हो चुके हैं, जिसको डिफॉर्मिटी है या उसको बहुत सुन्नपन है, उसके लिए अलग तरीके से कस्टमाइज्ड फुटवेयर भी बनाए जाते हैं। तो डायबिटिक लोगों के लिए मैं एक दो राय देना चाहता हूँ, टिप्स देना चाहता हूँ कि जब आप जूते खरीदें तो थोड़े बड़े जूते खरीदें। आपके साइज से कम आधा से एक इंच जूता बड़ा होना चाहिए। उसके जो इनसोल है वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और ऊपर जो आउटसोल है वो हार्ड होना चाहिए, जैसे आपको कोई चोट ना लगे, और नीचे का जो सोल है वो मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। उसके अंदर सीम्स या लाइनिंग्स नहीं होना चाहिए जिससे आपके पैर में घाव नहीं पड़ जाए। और पैरों के लिए जूते हमेशा खरीदते टाइम शाम को 7 बजे के आसपास 8 बजे के आसपास जूते खरीदिए, नहीं तो दिन में आपके पैर सूज जाते हैं और आपका साइज़ जो है वो सिकुड़ जाता है। मोजे हमेशा कॉटन के पहने, बिना मोजे के जूते नहीं पहने, कॉटन के सॉक्स पहने और उसमें भी सीम नहीं होना चाहिए। पैरों को रोज़ धो के साफ करें और उसको रोज़ देखिए कि आपके पैर में कोई कट या कोई पस या कोई उजिंग या कोई घाव तो नहीं है, और पैरों को नियमित रूप से कम साल में एक बार अपने डॉक्टर को चेकअप कराते रहिए। जूते भी टाइम टू टाइम बदल लीजिए। फटे हुए जूते, पुराने जूते भी आपके पैर को घाव दे सकते हैं। अगर आप जूते नहीं पहनना चाहें तो वेलक्रो वाले सैंडल पहन सकते हैं जिसमें पैडिंग अच्छी हो। चप्पलें जो हैं वो अवॉइड करें, जिसमें जो नुकीली चप्पलें होती हैं, पट्टा पट्टी चप्पलें होती हैं, उनको अवॉइड करें। हाई हील शूज़ को अवॉइड करें और नैरो टो बॉक्स वाले शूज़ को अवॉइड करें। अपने पैरों को स्वच्छ रखें, ध्यान रखें उनका, और उनको कटने से बचाएं। थैंक यू।